पिछले भाग में प्रेगनेंसी का क्या करना है मैंने तय कर लिया है। शायद हम वहां रात गुजार सकते हैं। मैं तकिया लेकर आता हूँ। पॉल, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो या फिर मैं एक टैक्सी बुला लेती हूँ? हम साथ में देखे नहीं जा सकते। पीटर, तुम जानते हो मैं इस लुका छुपी के खेल से बहुत थक चुकी हूँ। मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारी नई इंग्लिश टीचर से, यह है मिस बिशप। मैं अकेली रहना चाहती हूँ, मुझे हक है ना पॉल? तुम कैसे मेरे डैड को ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफर कर सकती हो जब तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ऐसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं स्कूल नहीं छोड़ सकता और अभी ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह है नहीं जाने के लिए। और ये किसकी गवाही है? ये उस डॉक्टर की गवाही है जिसने निकी को एग्जामिन किया था। शायद डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो खुदकुशी कर सकती है। उनकी बेटी ये पहले भी कर चुकी है। मेंडेलसन के घर वालों को खबर करनी पड़ेगी, उनकी हालत बहुत नाजुक है। ओके सर। हेलो। हेलो, काफी अच्छी लग रही हो तुम आज। थैंक यू। एलेक्स, इससे पहले कि सब कुछ ऑफिशियल हो जाए, मैं बस श्योर होना चाहती हूँ कि हम जो कुछ भी करें पूरी ईमानदारी से करें। मैंने मैरी से बात की, वो कल ही होटल शिफ्ट हो जाएगी और शायद वो लौट जाएगी अमेरिका। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे बात करना मेरे लिए आसान था। वैसे ईमानदारी से बात करना इतना आसान नहीं होता है, पर तुमने किया ठीक किया। पर मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बस हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? लग तो ऐसा ही रहा है। और वैसे अब तुम समझ रही हो ना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, मेरे मूड स्विंग्स और यहाँ तक कि मेरा डॉगी भी अब तुम्हारे हवाले है। हाँ सब ठीक है, मैं इन्हें पाकर खुश हूँ। मेरे साथ निभाकर चलना इतना आसान भी नहीं। पता नहीं तुम क्या बात कर रही हो। मैं कॉफी लेकर आता हूँ, क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, कॉफी ही काफी होगी, हमारे पास इतना ज्यादा वक्त तो है नहीं। मुझे रनर्स को मैराथन के लिए भेजना है, रजिस्टर चेक करना है, तो वेल ठीक है। हाँ मैरी, बोलो। मैं अभी पहुंच रहा हूं। क्या हुआ? क्या हुआ एलेक्स? केट, मैरी का फोन था। लगता है गलती से अस्पताल वालों ने उसे फोन कर दिया। कोई सीरियस बात है, कोई सीरियस बात है डैड के बारे में। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है। डोरा, क्या हुआ? तुमने मुझे हेलो तक नहीं किया, कम से कम एक किसी दे दो। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें कितना आ जाता हूँ। अरे तुम कोई बच्ची भी नहीं, फिर क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इन सब का मतलब क्या है। किसका मतलब? वेल, तुम्हारी बीवी को हमारे स्कूल में नौकरी मिल गई है, तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? तो क्या मुझे उसे नौकरी करने से रोकना चाहिए? मैं उसे क्या कहकर समझाऊंगा बताओ? यही कि हनी मुझे माफ कर दो, मेरी प्रेमिका मेरे बच्चे के स्कूल में काम करती है इसलिए वहां पर तुम नौकरी मत करो। ये तो बकवास हुई ना। वो तुम हो जिसे अपने स्कूल में जो भी हो रहा है उसे संभाल लेना चाहिए था। अच्छा, तो तुम वो मर्द हो जो अपनी बीवी को उसकी असली औकात भी नहीं दिखा सकता। हाँ सुनो बेबी, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, अच्छा होगा कि तुम समझ जाओ। अब ठीक है, चलो अब बहस बंद करो और काम पर लग जाओ। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है,
तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी। मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। ठीक है, तुम सताने में माहिर हो। हेलो। हाँ डॉक्टर, लोला है प्रियंको। मुझे आज अबॉर्शन के लिए आना था पर नहीं आ पाऊंगी, मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं। क्या महीने के वो दिन चल रहे? क्या तुमने किसी तरह की कोई एक्सरसाइज की या कोई भारी सामान उठाया? हाँ। बधाई हो प्रियंको, तुम मुसीबत से बाहर आ चुके हो। ये तुम्हारी महावारी नहीं है, ये मिसकैरेज है जो अभी तुम्हें महावारी की तरह लग रही है। पर शायद तुम्हें ब्लीडिंग शुरू हो जाए, इसीलिए तुम्हें जांच की जरूरत है। सुनो, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना। तो क्या मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं? अब नहीं हूं। मैरी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? एलेक्स, मुझे लगा मेरा यहाँ आना सही रहेगा। हाँ ये ठीक है, तुमने मुझे दुख पहुँचाया, लेकिन तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो और ना ही तुम्हारे डैड हैं। मैं तो बस मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अगर तुम कहते हो तो चली जाती हूँ। अच्छा है आप लोग आ गए। मैंने अभी आपके डैड को कुछ भी नहीं बताया, पर हमें उनकी MRI में उनके कमजोर दिल से भी ज्यादा डरावना कुछ मिला है। ओह माय गॉड, क्या उन्हें कैंसर है? आप मेरे साथ मेरे ऑफिस चलिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाकर सब समझाता हूँ। आइए मेरे साथ। चलो चले। हम पहुंच चुके हैं। फिर से हाई हील्स में मुझे दूर तक पैदल चलना पड़ेगा। अब ये सारा षड्यंत्र मेरी समझ में आ रहा है। देखो, I'm sorry। जानती हूं। अब क्या तुम हमेशा मुझसे नाराज रहोगी? अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए। हाय डैड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस स्कूल से जा रहा था। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और डोरा क्यों आपकी गाड़ी से उतरी? मुझे तो लगा था कि आप मीटिंग के लिए घर से निकले हैं। इस पूछताछ का क्या मतलब है? तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स के लिए एक एग्रीमेंट किया है, इसलिए मैंने उसको लिफ्ट दे दी। तो ये मेरे बेहतर ग्रेड्स का ही प्लान था कि मॉम को यहाँ नौकरी मिल गई है ना? हाँ, इसे साल के अंत का तोहफा समझो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करके आप मेरी जिंदगी बेहतर बना रहे हैं तो आप गलत हैं। फिर से कहना जरा। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें नस थोड़ी सी मोटी हो जाती है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसे पात्र की तरह बन जाती है जो कभी भी फट सकती है। एक तरह से ये टाइम बम की तरह है। अगर हम इनकी अच्छे से जांच नहीं कर पाते तो हमें इसके बारे में स्ट्रोक आने के बाद ही पता चलता। तो क्या हमें इस बात का पता जल्दी लग गया है? अगर आपके डैड का दिल तंदुरुस्त होता तो चीजें काफी बेहतर होती, पर उनका तो दिल ही बीमार है, इसलिए नसें कभी भी फट सकती हैं। क्या ऑपरेशन हो सकता है? इसे फटने से पहले हटाया भी तो जा सकता है। यही तो सबसे बुरा पहलू है। ये वाली नस
इनके ब्रेन के लॉब्स के बीच काफी गहराई में है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ना ही हमारे पास और ना ही यूक्रेन के किसी भी अस्पताल में इतने सूक्ष्म उपकरण हैं जो बिना उनके दिल को कोई भारी नुकसान पहुंचाए इस नस को हम उसकी जगह से हटा सकते हैं। और अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो? ऑपरेशन के बिना इस केस में उनके पास ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का ही वक्त है। एक बार उस नस के फटने के बाद कोई नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा। तो क्या ऑपरेशन के बिना वो बच नहीं सकते? मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर कह सकते हैं कि इसी की संभावना है। अगर ऐसे उपकरण यूक्रेन में नहीं है तो दुनिया के किस कोने में हमें मिल सकते हैं, बताएं? जहां तक मेरी जानकारी है ऐसे उपकरण अमेरिका और इसराइल में उपलब्ध हैं, पर कई बार ऐसे ऑपरेशंस के लिए अपना नंबर लगवाने में कई साल लग जाते हैं। तो क्या डैड के पास जीने का कोई मौका नहीं है? एक मौका तो हमेशा ही रहता है, पर इस मामले में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। मैंने अभी तक इस बारे में आपके डैड से बात नहीं की और मैं नहीं जानता कि वो इस खबर को कैसे झेल पाएंगे। ओ हाय, और मैंने तो सोचा था आप मुझे बिल्कुल भूल ही गए या फिर मुझे हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया। ऐसा नहीं है लोला बेबी, एडवर्टाइजर्स तो तुम्हें बहुत याद करते हैं। लड़कियों के लिए एक बड़ा ब्रांड हमारे पास आया है, वो कुछ दिलचस्प सा चाहते हैं रिलेशनशिप पर। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ है ना। बहुत खूब, इन पोस्ट में प्यार पर कुछ टिप्स होंगे तस्वीरों और वीडियो के साथ। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हाँ आइडिया है ना, जैसे रिलेशनशिप की मजबूती को परखना। मुझे पता है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। सुनने में कैसा लगा आपको? और यहाँ तस्वीरें होंगी और वो भी ढेर सारी। बहुत खूब, मैं कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मेल से भेज दूंगा और तुम्हारा एडवांस तुम्हें पहले पोस्ट के बाद मिल जाएगा। बहुत खूब, थैंक यू। ओहो, कमाल लग रहे हो, जैसे तुम कोई और ही हो। हेलो अलीसा, मैं ये जानती हूँ, थैंक यू। कल तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? हेलो, वेल पॉल के साथ कल कैसी गुजरी रात? या फिर कुछ हुआ ही नहीं? हेलो डैड। ओह हेलो बेटा, हेलो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दिल में दर्द कैसा है? काफी वक्त हो गया आपके साथ ठीक से बात किए हुए। क्यों, क्या हुआ? नहीं सब ठीक है। ओ तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं मरने वाला हूं। मुझे पहले से अच्छा महसूस हो रहा है और तुम तो वैसे ही लगातार रोज आते हो, इससे ज्यादा आप क्या करोगे? आपकी फिक्र थी इसलिए पूछ लिया। और मैरी कैसी है? तुम लोग कब जा रहे हो? मुझे लगता है ये लोग मुझे जल्दी यहाँ से छुट्टी देने वाले हैं। तुम दोनों को यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं, छुट्टी मिलते ही मैं वहाँ आ जाऊँगा। हाँ बेशक। और मैरी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? वो अपना सामान पैक कर रही है और कुछ काम बाकी हैं वो कर रही है। वेल तो जाओ उसके पास, मैं यहाँ ठीक हूँ। यहाँ कम से कम 3 लोगों का खाना है, पढ़ने के लिए किताबें भी हैं, तो अभी तुम जाओ। जाओ जाओ बेटा जाओ। ठीक है, तो मुझे जाना चाहिए उसकी मदद करने के लिए, हम लोग शाम को आते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे एक कॉल कर देना। बेटा बेटा कल मेरा एक MRI हुआ था, क्या डॉक्टर ने उसके रिजल्ट के बारे में बताया था कुछ तुम्हें? नहीं, पर अगर वो मिलेंगे तो उनसे जरूर पूछूंगा। वेल ठीक है, थैंक यू बेटा। लोला इतनी सुंदर है,
देखो कैसे चमक रही है, तुम्हारे बीच कुछ हुआ क्या? तुम अपनी बकवास बंद करोगे? हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे बस ऐसा लगा। ओह बधाई हो नए कपल को। हेलो। हाय। तुमने वादा किया था सोचोगी? हाँ मैंने वादा किया था। तो तुमने क्या फैसला लिया? तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज करके मेरे मन को छू लिया, पर मैं तुम्हारा प्रपोजल मान नहीं सकती, और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को समझोगे। तो वजह तुम खुद बताने वाली हो या फिर? पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दो, मेरे लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, पर अब मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। हमारे बीच हो सकता है मतलब? तुम नहीं समझे, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तो चलो एक सेल्फी ले लें और मैं इसे अपने ब्लॉग पर डाल दूंगी जिससे सब देख लें। तुम सच बोल रही हो ना? हाँ। हे भगवान, तुम सीरियस हो? हम कुछ भूल रहे हैं? ओ ये तो वाकई सुपर। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। ओह गॉड। बेवकूफ कहीं का। हेलो केट। हाय एलेक्स, बोलो डैड अब कैसे हैं? सॉरी मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाई। नहीं नहीं सब ठीक है, मैं स्कूल थोड़ी देर में आता हूँ फिर सब बताता हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, जितना वक्त चाहिए उतना ले लो। ओके मिस यू। तुमने उसे बताया? नहीं बता सकता, सुनो। मुझे माफ़ करना पर पहले मेरी बात सुनो एलेक्स, मैंने पहले अपने पेरेंट्स को लिख दिया था, प्रिंसटन चलते हैं, वहाँ पर सारा इलाज हो जाएगा, पापा ने सर्जन से बात कर ली है, ऑपरेशन हो जाएगा। वाओ क्या बात है, थैंक यू। और हमें 5 दिन के अंदर वहाँ पहुँचना है। ये तो बहुत जल्दी है। हाँ आज शुक्रवार है तो हमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे एम्बेसी के लिए, और हमारे पास डायग्नोसिस भी है सबसे बड़ी बात। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, तुम उनकी जान बचा रही हो। मुझे पता है, मुझे ये करना है, और मैं तो पहले से ही ये सोच रही थी कि मैं डैड को वक्त से पहले ही घर ले जाऊँ अपने। वेल मैं यहाँ गलत हूँ, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि ये। इस बात से याद आया, ये सब ठीक करने के लिए मेरे पेरेंट्स को यही लगना चाहिए कि हम दोनों शादी की तैयारियां कर रहे हैं। हम ये कह देंगे कि डैड की हालत नाजुक है, इस वजह से हम शादी पोस्टपोन कर रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है तुम ये सब करना चाहती हो? ये तो कुछ नहीं है, जानते हो मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते का सच डैड को भी नहीं बताना चाहिए, वो झेल नहीं पाएंगे, समझ रहे हो ना तुम? तो मैं टिकट्स बुक कर लेती हूँ, तुम ज़रूरी कागजात तैयार कर लो, ठीक रहेगा ना ये सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैयारियाँ हो गई हैं? लगता तो है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मिसेस वाटर्स, आपको उन बच्चों की लिस्ट तैयार करनी है जो मैराथन के लिए जाएंगे, क्योंकि आज बच्चे जाने वाले हैं। मिस कॉफमैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैराथन में जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स को खबर कर दी गई। कौन कौन जा रहा है? लोला हेवरीलेंको, एलिसा जॉन्स, नटाली वेबनर, जैकरी क्लार्क, और इतने कम बच्चों को देखते हुए मैं चाहूंगा कि वेरोनिका भी जाए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ उसे किसके पास छोड़कर जाऊंगी। मैं हाइनेस को भी साथ लेना चाहूंगा, हालांकि उसके लिए दौड़ लगाना भी जल्दबाजी होगी, पर वो एक भरोसेमंद लड़का है और हमारे बड़े काम आ सकता है। बहुत बढ़िया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि ये कोई आपका फैमिली हॉलीडे नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण इवेंट है
जिस पर हमारे स्कूल की इज्जत टिकी हुई है। मैंने सब सोच कर ही कहा है। जैसा यहाँ सब कह रहे हैं। कोलीग्स, कोई और बात करनी है? मुझे लगता है मैं बेंच के लिए किसी और को ले जाना चाहूंगा, जैसे टोनी बिशप। ठीक है, फिर मैं मैराथन में जाने वाले बच्चों को आखिरी दो क्लासेस की छुट्टी दे दूंगी, जिससे वो तैयारियां कर सके। मिसेस वॉटर्स, मुझे पता है आपको मेरी बात मानना अच्छा नहीं लगता। आप अभी भी नियम बदलने की कोशिश कर रही हैं। खैर, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप ट्रिप से पहले लोला से बात कर लीजिए एक बार, आपके लिए ठीक रहेगा। आप सही हैं, मैं अभी जाकर उससे बात करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या ये सच है? टोनी को देखो। हाँ हाँ, पर मुझे खुशी नहीं हुई। लोला का कूल बॉयफ्रेंड। हाँ, अंदर आ जाओ। माफ कीजिएगा, बैठ जाइए। हाँ हाँ, मिसेस वॉटर्स, क्या कुछ हुआ है? नहीं नहीं, मैं तो बस मैराथन में जाने वाले बच्चों के नाम एक बार बता देना चाहती हूँ। तो जैकरी क्लार्क, नताली वेबनर और एलिसा जोन्स, ये सब लिस्ट में। मजा आ गया, हम सब साथ होंगे। लोला हैवरलिंग को भी जाएंगी। और हाँ, क्योंकि हमारे पास बच्चे कम हैं, इसलिए टीचर्स ने तय किया है कि तुम्हारी क्लास से वेरोनिका विल्सन और पॉल हाइनेस भी जाएंगे। हम जाने से मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कहने, क्या टोनी बिशप भी लिस्ट में है? हाँ, उसका नाम भी है। स्कूल के पास ठीक 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, बस होगी वहाँ पर एक। और जिन लोगों को तैयारियाँ करनी है वो आखिरी दो क्लासेस में कर सकते हैं, ठीक है? Cool. मिसेस पिकोला, क्या मैं कुछ देर के लिए लोला को ले जा सकती हूँ, बात करनी है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लोला, 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 जाओ। चलो। अब इसने क्या कर डाला? और हम अब भी काम कर रहे हैं। अंदर आ जाओ, बैठो। मिस वॉटर्स, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? लोला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि तुम मुझसे किसी भी तरह की मदद मांग सकती हो, तुम भरोसा कर सकती हो मुझ पर भी। हम तुम्हें किसी भी सूरत हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत अच्छी है। मिस वॉटर्स, क्या बताएंगे कि ये सब चल क्या रहा है? लोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैं प्रेग्नेंट? आपका दिमाग तो ठीक है। बिल्कुल नहीं। जानती हूँ ये तुम्हारा डिफेंसिव रिएक्शन है, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मिस वॉटर्स, मेरे अभी पीरियड्स चल रहे हैं, उम्मीद है आपको कोई सबूत नहीं चाहिए। वेल, ये जाहिर सी बात है कि मैं गलत थी। क्या तुम मुझसे सच बोल रही हो? हाँ बिल्कुल। तो क्या अब मैं अपनी क्लास में जा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मेरी भूल के लिए माफ करना। कोई बात नहीं, वैसे भी सब लोग मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं। गुड बाय। अपना ख्याल रखना।